हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैन वुमन एंड डॉग में। आज हम आए हैं पंडित कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम, जो कि फेमस है पश्मीना और कारपेट्स के लिए। चलिए तो इसे एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि इनके पास क्या क्या वैरायटीज हैं। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। गुलमर्ग पहुंचने से पहले पड़ता है तनमर्ग, और तनमर्ग पहुंचते वक्त आपको रास्ते में बहुत सारे इस तरीके के पश्मीना शॉल्स की शॉप्स मिल जाएंगे। आप चाहे तो घर बैठ के भी ऑर्डर कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पश्मीना होता क्या है, कहां से आता है और कैसा बनता है। साथ ही साथ पश्मीना के ऊपर भी अगर कुछ है तो वो भी हम आपको बताएंगे, और उसके बाद कानी शॉल्स। इस वीडियो के एंड तक आप इतने एक्सपर्ट हो जाएंगे कि आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे असली और नकली पश्मीना के बीच में। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये वीडियो ना तो कोई स्पॉन्सर्ड है और ना ही हमें यहाँ पे कोई हैवी डिस्काउंट मिला है। तो ये जो वीडियो हम बना रहे हैं, खुद के एक्सपीरियंस से बना रहे हैं जो हमें यहाँ पर मिला, साथ ही साथ आपके नॉलेज के लिए। ये हो गया पश्मीना प्योर। इस और इसमें कस्टमर को पता नहीं चलेगा पश्मीना कौन है, क्योंकि उसकी नॉलेज नहीं होती। पर मैं आपको दिखाऊंगा जो पश्मीना होता है। आप बोलोगे आप हमें कैसे मालूम चलेगा पश्मीना क्या है, तो अब हम क्या करेंगे। अगर आप भी सीखना चाहते हो आपको कैसे मालूम चलेगा पश्मीना, रिंग में डाल के हमारे पास 100 रुपये का भी शॉल भी निकल जाएगा, तो वो बात नहीं है। तो आजकल लोगों ने खाली ये याद रखा होगा, दिखाओ मुझे पश्मीना, वो बोलते हैं दिखाओ, अगर ये रिंग में निकल गया तो वो बन गया पश्मीना। मगर पश्मीना वो नहीं होता है। याद है हमारे पास 600-700 के रेंज में, मगर ये कोई पश्मीना नहीं है। मगर ये देखो, ये इतना पतला है, आप देखो ये कितना पतला है। इसको हम कहते हैं कश्मीर में काउंट 120, क्योंकि हमें पहले नॉलेज मिलते हैं क्या होता है क्या नहीं। क्योंकि हमारे पास जो ये शॉप है, ये देखो ये भी पूरा रिंग में निकल जाए, एक नहीं ये दो भी निकल जाएंगे। ये देखो इसकी ये, तो कोई बोलता है ये पश्मीना है, मगर ये पश्मीना नहीं है। ये देखिए ये भी रिंग में निकल गया, थोड़ी ये पश्मीना बन गया, ये पश्मीना है। मगर अब बोलोगे वो भी रिंग में निकल गया, ये भी रिंग में निकल गया, हमें क्या अब ये है तो हम दिखाएंगे पश्मीना है क्या। पश्मीना अब ट्राई कैसे करेंगे, जैसे हम लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं, हमारे पास यहाँ पर लेबॉरेटरी नहीं है, तो आप लेबॉरेटरी टेस्ट करोगे। तो अगर आप नॉर्मली टेस्ट करोगे आप कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पर एक इसको निकालना पड़ता है, ये वाला ये एक निकालना पड़ता है, जैसे अगर आपको ट्राई करना होगा। जो ये एक होगा ना, इसको आपको जलाना पड़ेगा, अगर लाइटर होगा ये इसको जलाना पड़ता है। तो जब ये जलेगा इसको सेम स्मेल बालों की तरह आनी चाहिए, जैसे बाल जलता है वैसे ये भी जलना चाहिए, क्योंकि फिर होगा ये पश्मीना। और उसको जैसे बाल राख होता है ना जला के, वैसे इसको भी जलना चाहिए। ये नायलन की तरह नहीं जलना चाहिए, अगर ये नायलन की तरह जल गया, वो जैसे चिंगम टाइप जल गया, तो ये पश्मीना नहीं है। तो अगर इसको राख हो गया और बालों की तरह स्मेल आ गई, फिर ये प्योर पश्मीना है। तो ये हो गई पश्मीना की नाली। जो पश्मीना होता है पहले हो गया ये वाला, वो एक गोट होती है जो लद्दाख में पाया जाता है, जो लद्दाख है ना वहाँ पर हाई माउंटेनस में वो रहती है, तो वो एक गोट होती है। तो उसी के ऊपर जो ये वाला पोर्शन हो गया, ये हो गया चिन पोर्शन। अच्छा। तो एक हो गया ये वाला जो कमर होते हैं, इधर बेली पोर्शन, वो हो गया टॉपर पोर्शन एंड बेली पोर्शन। जो बेली पोर्शन के रहते हैं उसमें वो झाड़ियों में जाती थी, वो थोड़ा गंदा हो जाता था, वो जो ऊपर रहता वो साफ रहता। और जो ये है ये होता है सबसे गर्म, ये चिन पोर्शन, ये होता है 160 पेड़ों को पहले ये चिन पोर्शन को शेव करना पड़ता है, फिर हम उसको उबालते हैं, फिर एक शॉल बनता है। हाँ, तो जो ये बेली पोर्शन और टॉपर पोर्शन होता है, फिर हम ग्रेड के हिसाब से लगाते हैं। जैसे कोई भी फैक्ट्री में कोई भी चीज़ बनता है, तो उसमें कोई ना कोई रॉ मटेरियल्स तो निकलते हैं लास्ट में। अगर बढ़िया सा चीज़ बनेगा, फैक्ट्री वाले बोलते हैं क्यों ना हम इस ग्रेड जो रॉ मटेरियल, इसको भी कुछ ना कुछ बनाया गया, 1000 ना सही 100 तो आएगा उसको। हाँ, वेस्ट का भी बनता है, वेस्ट का भी बना, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं। तो हम भी यहाँ पर वही करते हैं। अच्छा। जो पहला होता है तो उसको हम पश्मीना शॉल बोलते हैं। तो जो वेस्ट रॉ मटेरियल्स होते हैं उसको हम फिर वेस्ट होते हैं। ये उसी के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से पश्मीना होता है। फाइन क्वालिटी ऑफ वूल, उसके ऊपर कोई वूल नहीं बनता है। हाँ, बनता है और एक, उसका नाम है शहतूस, मगर उसकी बैन है, जैसे गवर्नमेंट ने उसमें बैन लगाया। बैन क्यों लगाया ये भी सवाल है, और बोलोगे क्यों लगाया इसमें बैन, ऐसे ही बैन तो नहीं होंगे ना। बैन इसलिए है क्योंकि जिसमें वो निकलता था ना वो चीज़, उस जानवर को पहले किल करना पड़ता था। तो जब वो किल करना पड़ता था, फिर उसमें
जैसे हमारे पास हजारों बाल में सर में है, तो उन बालों में भी और हज़ार बाल में 10, 20, 30 बाल निकलता था, उसी में फिर वो कलेक्ट करना पड़ता था। कम से कम वो होते हैं 200-300 को किल करना पड़ता था, फिर एक शॉल बनता था, उसी को कहते हैं शख्त। फिर उसके बाद आ गया पश्मीना, उसके ऊपर आप कोई वो नहीं होता। तो उसके बाद आता है हमारे पास कानी, कानी शॉल्स, आपने कानी शॉल्स का नाम सुना होगा। वो आता है हमारे पास 50,000, 60,000, 70,000 एक लाख में भी। अच्छा, ये कानी शॉल प्योर नहीं है, ये कॉपी है। ये देखिए जो कानी का काम होता है, आपने सुना होगा आरी काम, वो सुई काम, वो होता है आरी, इतनी बड़ी नीडल होते हैं उसी से किया जाए, सुई जो होती है वो इतनी बड़ी होती है उसी से किया। मगर जो कानी होता है इसमें कोई सुई भी नहीं लगती, इसमें लगते हैं जैसे माचिस की तीलियां होती है, इसमें लगते हैं वुडन स्टिक्स। वो होने चाहिए कम से कम 100 वुडन स्टिक्स और फिर शॉल बनता है जब ये लूम पे रहता है। तो ये प्योर कानी नहीं है, ये हमारे पास कापी है कानी की। ये देख लीजिए, ये हो गया कानी शॉल। ये देख, आपको दूर से पता चलेगा ये प्रिंट है, मगर ये प्रिंट नहीं है, ये काम है। आप यहाँ से देख लीजिए, ये पूरा काम है, ये वुडन स्टिक से किया हुआ है काम। तो ये है हमारे पास कानी शॉल। ये देख, इसकी प्राइस ये आएगा हमारे पास 5,000 का, मगर ये कॉपी है। हाँ। जो इसका ओरिजिनल आएगा, हाँ, वो आएगा 60,000, 70,000, 80,000, 50,000 में आएगा खाली बॉर्डर। हाँ। ये देख, हाँ, ये भी प्योर नहीं है, जो प्योर आता है वो आएगा 70,000, 80,000, एक लाख का भी, 2 लाख का भी शॉल, जैसे वो बनेगा। आपने देखा होगा जो अमिताभ बच्चन होता है उसी को वो पहनते हो, वो हो गया कौन। ओके, हाँ, तो वो प्योर पहनते हैं। हमारे पास जो कस्टमर आते हैं हम पहले कॉपी दिखाते हैं उसको, भाई क्योंकि हर कस्टमर अमिताभ बच्चन थोड़ी होगा, थोड़ी होगा, इसीलिए हम दिखाते हैं पहले कॉपी। तो ये होगा कौन, ये देख लीजिए आप, इसकी बीवी। कानी में आते हैं सूट्स आते हैं, शॉल आते हैं, स्टोल आते हैं, हर कोई आता है कानी में। अच्छा, तो ये हो गया आपकी नॉलेज। ओके, जो ये है ये कॉपी हो गई कानी शॉल की, जैसे हमारे पास अमृतसर और लुधियाना में बनते हैं ना, वो हो गए ये वाले, जो ये है ना, ये हो गए कॉपी। और जो ये है ये प्योर है, ये वाला है, ये हो गया प्योर। आपको कैसे पता चलेगा ये प्योर है? पहले होता है जो मटेरियल होता है इसका, ये वाला, ये होता है पश्मीना, प्योर पश्मीना, 100% प्योर पश्मीना लगता है इसमें। फिर काम होता है जो ये है, ये पूरा टोटली हैंडमेड है, हाथ से बनाते हैं आप। और इसमें लगता है 100 माचिस की तीलियाँ, जो वुडन स्टिक्स होते हैं वो लगता है इसमें 100। और आपको दूर से पता चलेगा ये प्योर है और ये कॉपी है। ये देखो, ये दूर से भी पता चलता है, ये देखो, ये हो गया प्योर, और ये देखो ये कॉपी है। अब आपको कैसे पता चलेगा ये कॉपी है ये प्योर है? क्योंकि आप कस्टमर हो, आपको पता नहीं है, इसकी नॉलेज नहीं है, तो ये यहाँ से पता चलता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, जो प्योर कानी शॉल होगा वो पहले होता है पश्मीना, जो प्योर होगा। तो ये है कॉपी, तो इसका भी ये देखो, लास्ट में जो होते हैं ना, ये वाला, इसका भी देखो और इसका भी देखो, आप हाथ लगाओ, ये स्लिक टाइप है ये वाला, और ये देखो ये कितना मुलायम है, ये बहुत नरम है। तो ये हो गया, और ये देखो इसकी भी स्टिंग्स देखो, यहाँ से ये पूरा लॉक करके है। इसकी भी स्टिक्स देखो, ये लॉक करके नहीं होता, ये देखिए, ये आपको लगेगा ये शेड है, जैसे इसका है, ये देख लीजिए इसका खुले हैं, ये देख लीजिए। तो जो ये है ये पूरा लॉकड है, टोटली लॉकड, ये देखो। और आपने अगर लूम देखा होगा, इसका लूम, इसका लूम रहता है जैसे कॉर्पोरेट का लूम होता है ना, वैसे इसका भी लूम रहता है सेम। अच्छा। उतना बड़ा जिस पे ये आएगा ये कानी शॉल। हाँ। तो फिर इतने इतने बड़े स्टिक्स होते हैं, वो इतने वुडन स्टिक्स। हाँ। और उससे वो बनते हैं, वीविंग करते हैं, जैसे वीविंग करते हैं ना, वैसे ये भी बनाते हैं। तो ये हो गया कानी शॉल, ये हो गया प्योर, और ये हो गया कॉपी। जो ये आएगा हमारे पास 2,000 का, मगर जो ये आएगा, ये आएगा हमारे पास 40,000 का, 40,000 का। तो ये बात है, बहुत लाइट वेट है, बहुत लाइट वेट है, करता होगा, बहुत गर्म है ये, बहुत। आप हाथ से देखो ये क्या है, और ये भी देखो, ये देखो ये कितना मोटा है, भारी है, बहुत भारी है, भारी है ये,
ये बहुत लाइट वेट है। स्टार्टिंग प्राइस से देखना है शॉप, हमारे पास स्टार्टिंग से आएगा 150 का, 150 रुपए से आएगा स्टार्टिंग प्राइस। अच्छा। और फिर आएगा 300, 500, 700 और रेंज बढ़ता जाएगा। हमारे पास आएगा 1 लाख का भी शॉल, 2 लाख का भी शॉल। अच्छा। मगर हमारे पास आएगा 150 से स्टार्टिंग शॉल में। ओके। तो मैं आपको स्टार्टिंग से दिखाऊंगा। हाँ, हर एक है तो क्या वीडियो में भी आ जाएगी, डिटेल लोगों को पता चलेंगी ना। 150 से स्टार्ट होती है, 1 लाख तक जाती है स्टार्टिंग शॉल। यहाँ का सबसे स्टार्टिंग यह आएगा 150 का, 150 रुपये का शॉल। ये देख लीजिए आप, ना ये कोई वूल है ना कुछ है, ये ओनली सिल्क है। तो ये यहाँ का नहीं है, जो यहाँ पर शॉल बनते हैं ना, ये यहाँ का नहीं है। फिर भी हम रखते हैं इसको क्योंकि कस्टमर बोलते हैं सबसे हमारे पास लोअर रेंज का दिखाए, इसलिए हम ये रखते हैं। ये वूल नहीं है, ये आप देखो, ये वॉश करने के बाद ठीक नहीं रहेगा, वॉश करने के बाद ये उसको उग जाएगा। ये प्रिंटिंग है ना। अच्छा। ये प्रिंट में, हाँ ये उग जाएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास ये वाला, ये हमारे पास यहाँ का सबसे लोअर क्वालिटी है ये वाला। ये सब अमृतसर का माल है क्या? नहीं, वो वाला अमृतसर का है वो। अच्छा। हाँ, उसके बाद आएगा ये वाला, ये हम यहाँ पर बनाते हैं ये शॉप। ये देख लीजिए, ये आएगा 400 का, 400 रुपया। उसके बाद आएगा ये यहाँ का वूल आएगा, जो वूल बनता है ना यहाँ का। ये देख लीजिए, यहाँ पर जो ये है ना, ये वीविंग है, ये प्रिंटिंग नहीं है, ये वीविंग है। जो इसमें दिखाया मैंने आपको, ये जो ये है ना, हाँ, ये आपको प्रिंटिंग, हाँ ये प्रिंटेड है। हाँ। जो ये है ये प्रिंटिंग लगेगा आपको, मगर ये प्रिंटिंग नहीं है, ये वीविंग है। अच्छा। जैसे काम होते हैं ना। हाँ। ये वैसे ही वीविंग है, ये देख लीजिए आप। राइट। हाँ, ये वीविंग है। तो ये आएगा हमारे पास 700 का। तो जो पश्मीना है तो वो किससे होता है, उसके पास आता है 3 पोर्शन, 3 पोर्शन हमारे पास आता है ग्रेड के हिसाब से। तो 50 ग्रेड, 100 ग्रेड, ये हो गया ओनली 20% ग्रेड, 20 ग्रेड ओनली। ये देख लीजिए, ये भी शॉल है, ये 20% ओनली 20% इसमें मिक्स है, बाकी सब वूल है। तो ये आएगा हमारे पास 700 का, 700 रुपये का ये वाला। इसके बाद आएगा ये आएगा पूरा वूलन शाल, मगर ये डबल है। ये क्या है, ये डबल है, ये यहाँ से भी है और यहाँ से भी, दोनों तरफ आप पहन सकते हो इसको। इसको कहते हैं हम 3 शटल। अच्छा। ये 3 शटल में होते हैं। हाँ। तो दोनों तरफ बनते हैं। अच्छा। आपको नहीं पता चलेगा ये फ्रंट है या ये बैक है। राइट। क्योंकि ये दोनों तरफ सेम रहते हैं। ये देखो, ये यहाँ से भी 1250 रुपये के रेंज में। ये आएगा 50 50 50। हाँ। जो ये है ना, इसको हम बोलते हैं काउंट 120। अच्छा। तो गाइज़, यहाँ पे कारपेट्स भी बनाए जाते हैं, मगर हमें और भी स्पॉट्स कवर करने थे, इसके वजह से हम यहाँ पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाए, लेकिन अगली बार आएंगे तो इसे भी ज़रूर कवर करेंगे। यहाँ का हीटर भी बहुत यूनिक है, ये गैस से चलता है। इनकी एक और शॉप है जहाँ पे आपको सुवीनियर मिल जाएंगी, साथ ही यहाँ पे हैंडमेड की बहुत सारी वैरायटीज भी हैं जो कि वॉलनट वुड से बनी हुई है, तो आप इसे भी चेकआउट करना ना भूलें। देखा कि पश्मीना रियल है या फेक, इन्होंने हमें बताया कि आप कैसे चेक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप कश्मीर में आएंगे तो हर इंसान कहेगा कि देखिए ये पश्मीना है, इनफैक्ट टैग भी लगा रहता है कि ये पश्मीना है, बट ऐसा नहीं होता है। अब आपने सीख लिया है कि आपको ओरिजिनल और नकली में कैसे डिफरेंस निकालना है। साथ ही मैंने भी किए हैं कुछ शॉपिंग, क्योंकि अगर आप कश्मीर आ रहे हैं तो पश्मीना शॉल तो बनता है। तो आई होप आपको हमारा आज का कश्मीर सीरीज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि इस तरीके के नए वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है, जहां मेन वुमेन एंड डॉग्स रिलेटेड बहुत से न्यू अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक खुश रहो, खुश रहने दो, प्रेज़ द लॉर्ड, बाय।